ना धीरता ना रे लक्ष्मी आ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? ओपन इट। ब्रेसलेट? ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। यू लाइक्ड इट? बहुत अच्छा है। लाओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन इस टाइप का ब्रेसलेट तो अर्जुन को पसंद है और उसने तुम्हें गिफ्ट किया होगा। हाँ, आपको कैसे पता? मुझे ही नहीं, लंदन के पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को पता था। जब भी अर्जुन को कोई लड़की पसंद आती थी ना, तो वो यही फॉर्मूला यूज करता था। सच? नहीं बाबा, आई एम जस्ट किडिंग विद यू। मजाक कर रही थी। तुम्हारा होने वाला पति ना ही प्लेबॉय है और ना ही कैसिनोवा। बहुत शरीफ इंसान है वो। हाँ, लेकिन एक लड़की थी जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसका सबसे बड़ा क्रश थी वो। कुछ महीने वो साथ भी थे। ऐसा ब्रेसलेट भी दिया था उसने उसे। हाँ, पर कौन थी वो लड़की? थी कोई। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता ना। 9 साल की उम्र में एक सपना देखा और 12 साल उसके पूरे होने का वेट किया। बहुत लकी हो तुम लक्ष्मी। वो सब तो ठीक है, पर उस लड़की का क्या हुआ? पता नहीं वो कहाँ चली गई, और क्या पता वो लौट भी आए। हाँ, लेकिन अब वापस आ भी गई तो उससे क्या होगा? अर्जुन तो मेरा है ना? बिल्कुल। एक बार के लिए तो आपने मुझे डरा ही दिया था। प्यार में डरो नहीं, बस जियो। अच्छा सौम्या जी, अब मैं चलती हूँ। जल्दी सोऊंगी तो फ्रेश लगूंगी कल। कल मुझे सबसे खूबसूरत लगना है। आखिर मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। फाइनली मैं अर्जुन की पत्नी जो बन जाऊंगी। ओके बाय। पहले अग्निहोत्री महल के चक्कर लगाया करती थी, अब इस शादी के मंडप में फेरे लेने वाली है। हमारे लक्ष्मी ने अपने सपनों की उड़ान पूरी कर ही ली। लक्ष्मी, मेरा सिक्का। ये बीच रास्ते में महल कहाँ से खड़ा हो गया? ये महल? और ये बीच रास्ते पे कहाँ खड़ा है? ये तो पहले से था। तुम इस रास्ते पे पहली बार आई हो। नाइस। तो अब यही मेरा रास्ता होगा और एक दिन ये महल भी। याद है ना आपको वो जिद कि शादी करूंगी तो अर्जुन अग्निहोत्री से ही, और वो भी बिना जाने कि वो दिखता कैसा है। इधर आओ। अब मुझे ये बता कि अर्जुन दिखता कैसा है। मैं क्या बताऊं, जब तुम मिलोगी तो खुद देख लेना। अरे इतना तो बताओ कि मतलब वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, दाढ़ी मूछ रखता है, इतना तो बता ही सकते हो। ओके,
अर्जुन की हाइट होगी 5'9" क्लीन शेप और रंग तुम्हारे जैसा होगा। वाओ! फिर किस तरह अर्जुन अजय बनकर लक्ष्मी की जिंदगी में आया और वो बरसात जब प्यार का इकरार हुआ। I love you, Lakshmi. शादी करोगी मुझसे? वारी 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 मैं अपने पिया पे वारी, वारी 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 मैं अपने पिया पे वारी। मेरी तो धड़कन ही थम गई थी जब अर्जुन ने लक्ष्मी को बताया कि वो अजय नहीं बल्कि उसके सपनों का अर्जुन है। मैं ही तुम्हारा सपना हूं लक्ष्मी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लक्ष्मी ने हमेशा अपने दिल की ही सुनी। सपने देखे तो दिल से, लेकिन कभी अपनों को नहीं भूली। ना तो उसने अपने सिद्धांतों से समझौता किया और ना ही अपने पिता से मिले संस्कारों का अपमान होने दिया। दिल तो जैसे दरिया है अपनों के लिए। बाबूजी के कोर्ट से लेकर बुआ जी की रसोई, दीदी की शादी, अपने परिवार की बहुत फिक्र है इसे। अब लक्ष्मी अपने नए घर जा रही है। वहां नई जिम्मेदारियों के साथ नई चुनौतियां भी होंगी। लक्ष्मी को आपकी दुआओं के साथ आपके आशीर्वाद की भी जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमारी नई नवेली दुल्हन को एक सरप्राइज दे देते हैं। आइए। यकीन ही नहीं आ रहा कुछ ही देर में मेरी शादी हो जाएगी। थैंक यू शिव जी, सपना देखा और आपने पूरा भी कर दिया। सच्चे मन से 16 बार 16 सोमवार रखे थे, खुश तो होना ही था आपको। हाँ हाँ याद है, अमरनाथ की यात्रा भी याद है। मौका मिलते ही अर्जुन से बात करूंगी। सब कुछ तो ठीक है, तो फिर मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? पेट में भी कुछ गोल गोल सा घूम रहा है। क्या हर लड़की को शादी से पहले ऐसी फीलिंग होती है? शिव जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज 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 प्लीज। बुआ, पहले ही मैं इतनी टेंशन में हो रहा। माधुरी जी आप? हाँ मैं। ये सच है कि सपना? सपना नहीं, सच है। मतलब आप सच में यहाँ हैं? बिल्कुल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता है आज तक मैंने आपको सिर्फ फिल्मों में देखा है या फिर अपने सपनों में। ये लो, जो लड़की अपने बड़े बड़े सपने सिर्फ अपनी सोच से पूरी करती है उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब क्यों नर्वस हो रही हो? वही तो, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, जब आपकी शादी हो रही थी तो क्या आपके पेट में ऐसे कुछ गोल गोल घूम रहा था? हाँ, हर लड़की के साथ ऐसा होता है क्योंकि उसकी जिंदगी बदल रही होती है ना। जिंदगी तो बदलने वाली है, लेकिन तुम मत बदलना। अपने दिल और दिमाग के बीच
हमेशा अपने दिल की सुनना। अर्जुन के साथ तुम्हारा जो प्यारा सा रिश्ता है उसे हमेशा संजो कर रखना। आगे चलकर कोई भी परिस्थिति आए अर्जुन का हाथ कभी मत छोड़ना। याद रखोगी ना? बिल्कुल याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी आपकी बातों को भी और आपकी ये प्यारी सी मुस्कुराहट को भी। God bless you. और ऐसे ही मुस्कुराते रहना, बहुत क्यूट लगती हो। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई, अब मुझे ठीक लग रहा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। लगता है विशाल जी अब तक नाराज है, शादी में भी आना नहीं चाहते। इतना बड़ा दिन है लक्ष्मी और मेरे परिवार के लिए, कल तो मैंने उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था, पर आज मैं। विशाल जी आप तैयार हो गए? तो तुम्हें क्या लगा मैं आज भी नहीं आऊंगा? नहीं नहीं, वो नहीं, वो क्या, देखो सरस्वती, भले ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे मान सम्मान की परवाह ना हो, लेकिन मुझे है। और वैसे भी मैं मुझ पर किए गए एहसानों को कभी नहीं भूलता। लक्ष्मी ने हमारी शादी के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए। विशाल जी मैं। सरस्वती, मंडप तक दुल्हन को बड़ी बहन ही लेकर जाती। पंडित जी, ये शादी का मुहूर्त कितने बजे का है? 10:55 से 11:50 तक। मतलब लक्ष्मी 10:55 पे आएगी। और फेरे कितने बजे शुरू होंगे? अरे वरमाला के पश्चात। तब तक यहीं बैठना पड़ेगा क्या? आप थोड़ा शांति बनाए रखिए, कहीं पूजा की सामग्री में हमसे कुछ छूट न जाए। सॉरी सर, आप करिए। अर्जुन रिलैक्स बेटा, मैं जानती हूँ कि शादी के दिन नर्वसनेस होती है। नहीं नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। ये नर्वस नहीं हो रहा है, उतावला हो रहा है अपनी दुल्हन को देखने के लिए। राइट बॉयफ्रेंड? पंडित जी एक बात और थी, ये फेरे के वक्त ना आप मंत्र थोड़ी जल्दी पढ़िए प्लीज। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, थोड़ा संयम रखिए, फेरे तो अपने सही समय पे हो ही जाएंगे। ये आजकल की पीढ़ी है पंडित जी, इनमें संयम कहाँ। ये तो सोचते हैं कि कब शादी हो, ये कब घर पहुंचे। और माँ कुछ भी बोलती है आप, सर देखिए तो सही सामने कौन है। पर मैंने क्या बोला, मैं तो ये कह रही थी कि ये सोच रहे हैं कि इनकी शादी कब हो, ये कब घर पहुंचे और कब ये कपड़े चेंज करें। इतने भारी भारी है ना, इन्हें गर्मी लगती होगी। एक्चुअल में ना तेरा ही दिमाग बहुत गंदा है, बलती बलती बातें सोचता है। माँ ऐसे सुन, मैंने आज रात के लिए ना एक सॉलिड प्लान बनाया है। प्लान? अगर अर्जुन ने सुन लिया तो फिर मजा ही नहीं रहेगा, उसके कानों तक ये बात पहुंचनी ही चाहिए। अच्छा बताइए तो सही क्या है। माँ आप लोग ये क्या खुसर पुसर कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये ठीक कर रहे हैं।
रमेश जाओ देखो ये अब तक आया क्यों नहीं। लो आगे हमारी दुल्हन। गहने ना लहंगा भी कितना सुंदर है, एकदम फिल्मी हीरोइन की तरह सुंदर लग रही है ना हमारी लक्ष्मी। हाँ, ना जरा सी इधर ना उधर, एकदम फिटम फिट लग रही है। हेलो हेलो, हम भी यहाँ खड़े हैं। और माला की रस्म शुरू कीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। अरे बाबा, वरमाला की रस्म शुरू करने से पहले ये प्रोग्राम भारती और कपिल का। मैं कह रहा हूं ये शादी नहीं हो सकती। यार ये क्या ड्रामा बना के रखा आप लोगों ने, क्या कर के रहे आप लोग? हजार बंदे का बोल के आपने 3000 बंदे बुला लिए, अभी बोल रहे खाना कम पड़ रहा है। पिछली बार भी आपकी बड़ी बेटी की शादी हुई, एक साल तक पेमेंट लटकाई आपने, उसके बाद बेटी का डिवोर्स हो गया, आप बोलते हो किस काम की पेमेंट, लड़की तो सिंगल है। हाँ तो यार ऐसे थोड़ी होते हैं शादियों में, पता क्या होता है। आप देखिए, मैं आप पहले हमारी पुरानी पेमेंट क्लियर कीजिए। हाँ तो यार सर 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 ये आप क्या कह रहे हैं, देखिए ना कितनी अच्छी शादी है, कितना अच्छा इंतजाम है सर। ठुल्ली कहीं की, मैं तेरे से नहीं बात कर रहा हूँ, इनकी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जो शादी हो रही टिवोली गार्डन में उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो बड़े बड़े वेडिंग प्लानर हो रहे हैं, ये बड़ा नुकसान है, एक साथ कितनी कितनी शादियां करनी पड़ती हैं। ओके ओवर बाय। हाँ, और तुम कहाँ से आ रही हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम मैंने काम के लिए रखा, कहाँ आई थी तुम? सर सॉरी सर, सर मैं भी काम कर रही थी, जो शादियां हम करवाने वाले हैं ना उसमें कितने पंगे पड़ गए सर। कहाँ थी तुम अभी तक? सर वो जो शर्मा साहब की शादी के लिए हमने हॉल लिया था ना, कितने बजे तक लिया था? 8 बजे तक। लेकिन अभी 10 बज गए, उनके फेरे नहीं हुए।
ओह माय गॉड, लिली काम करो, अभी अभी काम करो, कुमन पंडित को फोन करो, उसको बोलो दो फेरे लगाए, सात फेरे लगाने कोई जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी शादी जुटाए। एक मिनट सर, दो फेरों में शादी कैसे होगी? अरे टिक नहीं होगी, दो में टिक जाएगी, नहीं तो सात में भी नहीं टिकेगी। और तूने भी तो सात लिख रहे, तू कौन सा टिक गई, ठोटी गई? हां जी सर, मैं ठोटी नहीं, ठुल्ली नाम है मेरा सर। जो भी है, लेकर पंडित को फोन करो। ओके सर, बाकी शादी कैसे चल रही है? सर सर, वर्मा साहब की शादी में सालियां जूते नहीं चुरा रही। जूते नहीं चुरा रही, वो चुराए, तू क्या हंस रही है? सर आप हंसे थे ना। शट अप, मैं शेव करता हूं, तू भी करेगी? उनकी सालियां जूते चुरा भी नहीं सकती। क्यों सर? पिछली बार जब उनके घर में शादी हुई ना, साली ने जूते चुराए, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, सातों की सातों साली अंदर करवा दी मैंने। बड़ी आई साली सालियां, 1100 रुपए मांग रही थी जूते वापस करने का, अभी उसके बाप ने 11000 रुपए देकर थाने से चुराया। वाह सर वाह। बाकी शादियों का अरेंजमेंट कैसा चल रहा है, जल्दी बताओ। सर कपूर साहब की शादी के लिए जो गोल स्टेज मंगाया था ना, हाँ? जयमाला डालने के लिए, हाँ, हाँ, दूल्हा दुल्हन ऐसे ही खड़े हैं लेकिन वो स्टेज नहीं घूम रहा। एक काम कर, हाँ जी, टीपू हलवाई को फोन करो। टीपू? हाँ, टीपू हलवाई को फोन करो, उसको बोलो जितनी भी सब्जियां हैं सब में एक एक बोतल रम डाल दे। रम? स्टेज नहीं घूमेंगे लेकिन बराती टल्ली हो जाएंगे, पूरा पंडाल घूमेगा। हंसना नहीं है, करो उसको फोन। अच्छा सर, बाकी अरेंजमेंट बताओ कैसे। सर एक मिनट सर, सर गुप्ता जी की शादी में स्वागत के लिए वो हाथी मंगाए थे ना, हाथी अभी तक नहीं पहुंचा सर। ओ माय गॉड, एक काम करो, यहाँ से काम खत्म करने के बाद तुम सीधा वहाँ पे जाना। ठीक है सर। और सूंड लगाना नहीं भूलना, ओके सर। व्हाट सर, क्या आप 5-6 शादियों में मुझे हाथी बना चुके हैं सर? सर मैं ऊंट बनना चाहती हूँ इस बार। ऊंट बनना चाहती हो तुम? 70 किलो का दूल्हा ऊपर डाके जब रेत में भागी ना, जबान तेरी बाहर है, कुत्ते की तरह ऊंट बनना चाहती। चुपचाप अपना काम करो। देखो लीली, मैंने गुस्सा मत किया करो, देखो बेटा कभी काम का इतना प्रेशर होता है ना, देखो काम का इतना प्रेशर रहता है, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कल को बड़ी बड़ी इंडिविजुअल शादियां कराओगी, बड़ी बड़ी शादियां जैसे मैंने करवाई हैं। बड़ी बड़ी शादियां सर? Yeah. सर कौन कौन सी? कल अभी मैंने 98 साल के बुड्ढे की शादी करवाई 88 साल की बुढ़िया के साथ। हाँ, और मेरा इंतजाम इतना पक्का रहता है कि इन केस दोनों में से अगर कोई भी उड़ जाए तो शादी के मंडप को 2 मिनट में शोक सभा बदल देता हूँ मैं। सर सर प्लीज सर, सर मेरी भी शादी करवा दो ना सर। What? तुम्हारी शादी कैसे होगी लिल्ली? डायमीटर में कितनी बड़ी हो तुम? तुमसे शादी कौन करेगा? सर्वगुण संपन्न हूँ सर मैं। सर मैं आज भी ऐसे करके देख लूँ ना तो 5-6 लड़के मर जाते हैं। देखो लिली, तुम नंगे पांव बाहर निकलोगी, 5-10 के तेरे 2 दर्जन लड़के आके मर सकते हो तुम ऐसे। देखो लिली, मैंने वैसे भी आजकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने बंद कर दिए हैं जिसमें पेमेंट मरने का खतरा हो। मरने का सर? यस। अभी देखो ना, मैंने पिछले ये दीपिका पांडू कौन है ना, 6 बार अपनी शादी फिक्स कर चुकी है, डेट और वेन्यू फिक्स कर लेती है, लड़का अभी तक फिक्स नहीं करती। क्या करे बंदा? सर सर मैं आपकी कसम खाती हूँ सर, मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिली, तुम्हारी शादी होगी तो प्रॉब्लम आएगी ना। और देखो वैसे भी जिस शादी में कोई प्रॉब्लम ही ना आए वो शादी वैसे भी मनहूस मानी जाती है। तुम बताए रितेश और जनेलिया की शादी जब हुई कितनी प्रॉब्लम आई? कौन सी सर? अभी रितेश बैठ के गए घोड़ी पे, टुचक टुचक करके, जैसे ही लड़की वालों घर के पास पहुंचा घोड़ी मुकर गई, कहती मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और फिल्मी घोड़ी थी, मैंने फिल्मी तरीका बनाया। क्या? मैंने इमरान हाशमी को बुलाया, उससे मैंने फिर पप्पी दिलाई उसको। जाओ सर, सर इमरान हाशमी ने घोड़ी की पप्पी ली। हाँ तो क्या, मर्डर फिल्म में कौन सी लड़की की पप्पियां ली थी? देखो बंदा बड़ा नेक है, बंदा बड़ा नेक है इमरान हाशमी, कहता कि नहीं फीमेल में आनी चाहिए, किसी को भी किस कर लेता है। परसों हाथ में मौसमी पकड़ के मेरे से पूछ रहा था, भाई साहब ये जेंट्स कैटेगरी में आती कि फीमेल में? मैंने कहा भाई साहब जेंट्स तब जाए, खाई नहीं तो पहले चूमने को फिर रहा था वो। सो दैट्स काइंड ऑफ यू नो। यस सर, को चूमने से सर मेरे को फीलिंग जा गई सर। सर सर एक बात बोलूं? सर मैंने सुना है कि आजकल वो जॉन है ना, जॉन इब्राहिम, हाँ? सर वो आजकल फ्री है सर, प्लीज। तो फ्री होगा तभी तो फिल्में मिल रही, पैसे देके कौन एक्टिंग करवाएगा उससे। पर तेरी जॉन से ऐसा शादी नहीं हो सकती बेटे। क्यों सर? उसने जितनी बॉडी बनाई ना उस हिसाब से वो सिर्फ मोटरसाइकिल उठा सकता है, ये हमर नहीं उठा सकता वो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्लीज सर ऐसे मत कहिए सर, सर कुछ तो कीजिए ना सर। देखो लिली, तुम अपनी शादी की बड़ी में मुक्का मार के ना अपना हाथ उड़वा बैठूंगा, मेरे को पता है। तेरे को तो कुछ होने वाला नहीं, यहाँ पे लोग तुम्हारी शादी के लिए नहीं, अर्जुन और लक्ष्मी की शादी के लिए आए हैं, और तुम्हें पता हमारे चक्कर में उनकी जयमाला रुकी हुई है, जल्दी करो जयमाला का अरेंजमेंट देखो। क्या इसका मतलब? मेरे लिए कुछ नहीं बचा अभी। व्हाई यू क्राइंग बेटा? बच्चा क्यों नहीं है? बाहर 40 नान बचे आलू के साथ खाओ जाके।
देखा मैं हूं ही ऐसी, आपका दिल धड़क रहा है ना मुझे देखकर। क्या हुआ, पानी चाहिए? हेलो आप ये क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता सजावट देखिए ना आप मेरा की है? अरे नहीं, मैं इस घर की मेहमान हूँ, शादी देखने आई हूँ। अच्छा, मेरा रोमांस करने का मूड कर रहा है। तुझे आमिर और संजीदा का रोमांस दिखाता हूँ। नहीं। जयमाला से पहले इसके कुछ नियम कुछ कानून होते हैं, वो सुनो। अगर अर्जुन लक्ष्मी को पहले माला पहना देता है तो जिंदगी भर लक्ष्मी पे हुक्म चलाएगा। लेकिन दादी, अगर लक्ष्मी ने पहले अर्जुन को वरमाला पहना दी तो हमारी लक्ष्मी हुक्म चलाएगी। बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जीतेंगे तो मेरे अर्जुन भैया आएगा। हो जाए चैलेंज, जीतेगी तो हमारी लक्ष्मी। कम ऑन भाभी, ऑल द बेस्ट, और इस बार तो मैं भी आपके साथ। अरे लक्ष्मी देख क्या रही है, जल्दी से पहना ना। जल्दी करो दीदी, हमारी इज्जत का सवाल है। चल उछल पहना। हाँ, क्या अर्जुन जी, दूल्हे ने तो अपने आप ही गुलामी स्वीकार कर ली। चलो अच्छा है, हमारे यहाँ एक बहू तो कम से कम राज करेगी, क्यों रेणुका? माँ, अरे अर्जुन, चलो अब तुम्हारी बारी, चलो चलो जल्दी से वरमाला पहनाओ। Come on, boyfriend. अरे दुल्हन तो यहाँ है, ये दूसरी दुल्हन कौन है? Thank you.
अरे ये तो अर्जुन की दोस्त है, लेकिन इसने लक्ष्मी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? सॉरी, ये मेरी नहीं डिजाइनर की गलती है। आई नो आप सब मुझे लक्ष्मी के जैसे कपड़ों में देखकर हैरान होंगे, शायद कंफ्यूज भी हो गए हों कि असली दुल्हन कौन है। अरे कैसी है इसकी डिजाइनर, एक जैसे दो ड्रेसेस बना दिए। वैसे अर्जुन तुम्हारा तो दिन बना दिया इसने, तुम्हारे लिए शादी में भी दो दो ऑप्शन है। यस अर्जुन, पर तू कंफ्यूज मत हो, तुम्हारी चॉइस तो तुम्हारे सामने खड़ी है, लक्ष्मी, हमारे घर की लक्ष्मी। वरमाला पहनाओ बॉयफ्रेंड। ना धिरता ना रे